हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में और मैं सतीश आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने टेंसों के बारे में पढ़ा था और एक टेंस कंप्लीट भी हो चुका है। प्रेजेंट के चारों भाग हो चुके हैं, प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बीच में पास्ट शुरू करने से पहले मैंने ये वीडियो बनाई है पॉसेसिव केस की। ये इनका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी किस कर्ता के साथ अपनी अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ये आती है हर सेंटेंस में। तो मैंने पास्ट का पहला भाग पूरा करने से पहले मैंने क्या करा, ये पॉसेसिव केस की एक वीडियो बनाई है। आप इसमें देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का, किस कर्ता का, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है, उस किस कर्ता के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कि मैंने इधर एक टेबल बनाई है, एक तरफ सब्जेक्ट है कर्ता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, और एक तरफ क्या है अपने की अंग्रेजी, जिसको अंग्रेजी से बोलते हैं पॉसेसिव केस। चलिए देखिए, जैसे कर्ता होता है आपका आई, आई मीन्स मैं होता है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है कर्म होता है मी। ठीक है बच्चों, और आई के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ जो अपने के अंग्रेजी लाएंगे क्या लाएंगे माई। ठीक है, बी कर्ता जो बी होता है, बी माने हम, बी के साथ जो कर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं वो लगाते हैं अस, यानी बी का कर्म जो होता है वो अस होता है, और बी के साथ अपने अंग्रेजी का लाएंगे हम आवर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका यू, यू मीन्स तुम होता है या आप होता है, तो यू का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है वो यू ही होता है। ठीक है बच्चों, और यू के साथ अपने अंग्रेजी कहलाएंगे योर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका दे, दे मीन्स क्या होता है बे, तो दे का जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम होता है, और दे के साथ आप अपने की अंग्रेजी कहलाएंगे देयर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ही, ही मीन्स क्या होता है बह, ये बह आता है पुरुष के लिए, जेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो ही का जो कर्म होता है वो होता है हिम, और ही के साथ अपने अंग्रेजी कहलाएंगे आप हिज। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सी, सी मीन्स भी बह होता है, बट ये आता है लेडीज के लिए, लड़की के लिए, एक बच्चे लड़की के लिए। ठीक है, तो सी मीन्स भी बह होता है, और सी का कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है हर होता है, और सी के साथ जो अपने अंग्रेजी जो पॉसेसिव केस लगाते हैं वो भी क्या लगाते हैं हर ही लगाते हैं। कहने मतलब ये है कि सी का कर्म भी हर होता है और सी के साथ अपने के अंग्रेजी कहलाते हैं हर ही लगाते हैं। नेक्स्ट फिर सब्जेक्ट आपका इट, इट माने बच्चों बह भी होता है यह भी होता है। ठीक है बच्चों, ये इट आता किसके लिए है, ये इट आता है पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, जैसे पशु पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं, या कोई छोटी चीज छोटे बच्चे के लिए भी आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, शिशु के लिए। ठीक है बच्चों, तो इट का कर्म इट ही होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और इट के साथ अपने के अंग्रेजी यानी पॉसेसिव केस लगाते हैं इट्स। ठीक है, उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे एक वचन पुरुष, इन सब्जेक्ट में से कोई ना दिया हो और एक वचन कोई पुरुष हो, जैसे राम श्याम मोहन कोई भी हो, एक वचन हो, कोई नाम खुला हो और एक वचन पुरुष हो, तो उस एक वचन पुरुष का कर्म भी क्या होता है हिम होता है, जो ही का होता है, और एक वचन पुरुष के साथ अपने जी कहलाते हैं हिज, जो ही के साथ लगाते हैं। ठीक है, अब कोई एक वचन महिला हो, जैसे सीता गीता रीता अनीता कोई भी, तो एक वचन महिला का कर्म क्या होता है हर, और एक वचन महिला के साथ जो अपने की अंग्रेजी आती है पॉसेसिव के साथ है वो भी क्या आता है हर, जो सी का होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता हो, कोई बहुवचन करता हो, बहुवचन करता हमें लड़की या लड़के से मतलब नहीं, बस बहुवचन होनी चाहिए, जैसे लड़कियां अपना काम करती हैं तो लड़कियां बहुवचन होगी तो अपने अंग्रेजी वहां पे इस कर्ता के हिसाब से आएगी, चाहे लड़के हों या लड़कियां, ये दोनों मिलके हों, बहुवचन करता होना चाहिए। तो बहुवचन करता का जो कर्म होता है वो क्या होता है दैम होता है, जो दे का होता है। ठीक है, और बहुवचन कर्ता के साथ अपने अंग्रेजी कहलाते हैं देयर, जो दे के साथ आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे आपके पॉसेसिव केस थे, यानी कि किस कर्ता क्या, किस कर्ता का क्या कर्म होता है, किस कर्ता के साथ अपने अंग्रेजी क्या लगानी चाहिए, ये इस मैंने आपको वीडियो में बताया। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना कमेंट लिख सकते हैं, और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।